की। Hi guys, welcome back to my YT channel. 5G सेगमेंट में धीरे धीरे अभी गेमिंग स्मार्टफोन की भी एंट्री होने लगी है। मार्च महीने में नूबिया ने अपना रेड मैजिक 5G लॉन्च किया था, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आ रहा था। साल का सबसे लेटेस्ट चिपसेट यहाँ पे दिया गया था स्नैपड्रैगन की तरफ से 865। यहाँ पे आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिल रही थी। इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था 144Hz डिस्प्ले, साथ में प्रेशर सेंसिटिव बटन मिल रही थी और बिल्ट इन कूलिंग फैन मिल रहे थे। तो इसी लाइन में ब्लैक शार्क 3 और रोग फोन 2 भी खड़े हैं। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन है, बस फर्क इतना है कि ब्लैक शार्क 3 5G फोन है और रोग फोन 2 4G फोन है। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकते हैं रेड मैजिक 5G को। तो यहाँ पे तीनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि आखिरकार में बेटर परफॉर्मेंस आपको कौन प्रोवाइड करेगा गेमिंग के लिए। सो यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट, ये चले जानते कुछ बढ़िया। वेट की बात करें तो ब्लैक शार्क 3 आपको 222 ग्राम का मिलता है, साथ में 10.4 mm की थिकनेस मिल जाती है। रेड मैजिक 5G की बात करें तो यहाँ पे आपको 218 ग्राम का वेट मिलता है, साथ में 9.8 mm की थिकनेस मिल जाती है। रोग फोन 2 आपको 240 ग्राम का मिलता है, साथ में 9.5 mm की थिकनेस मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो ब्लैक शार्क 3 में आपको 6.67 इंचेस वाली फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, जो कि 90Hz वाली है। बात करते हैं रेड मैजिक 5G की, तो यहाँ पे आपको 6.65 इंचेस वाली एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, जो कि 144Hz वाली है। रोग फोन 2 की बात है तो यहाँ पे आपको 6.59 इंचेस वाली फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, जो कि 120Hz वाली है। हार्डवेयर की बात करें तो ब्लैक शार्क 3 में स्नैपड्रैगन 865 मिल रहा है, जो कि 7nm प्लस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, साथ में 2.84GHz की फ्रिक्वेंसी देता है। रेड मैजिक 5G की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे भी आपको स्नैपड्रैगन 865 मिलता है, जो कि 7nm प्लस टेक्नोलॉजी पे बना है, साथ में 2.84GHz की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। रोग फोन 2 की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस मिलता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बना है, साथ में 2.96GHz की फ्रिक्वेंसी मिलती है। मेमोरी की बात करें ब्लैक शार्क 3 में आपको तीन वेरिएंट मिल जाते हैं, 8128, 12128, 12256, साथ में UFS 3.0 का नेटिव स्टोरेज मिलता है। बात करें रेड मैजिक 5G की तो यहाँ पे भी आपको तीन वेरिएंट मिल जाते हैं, 8128, 12128, 12256, साथ में UFS 3.0 का नेटिव स्टोरेज मिलता है। बात करते हैं रोग फोन 2 की तो यहाँ पे आपको चार वेरिएंट मिल जाते हैं, 8128, 12256, 12512 और 12 1TB, साथ में UFS 3.0 का नेटिव स्टोरेज मिलता है। सॉफ्टवेयर की बात करें ब्लैक शार्क 3 में आपको एंड्रॉयड 10 के साथ में जॉय UI इंटरफेस मिलता है। बात करते हैं रेड मैजिक 5G की तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 के साथ में रेड मैजिक 3.0 UI मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे रोग फोन 2 की तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 9.0 पाई मिल जाता है रोग UI के साथ में। कैमरा की बात करें ब्लैक शार्क 3 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 64+13+5 के कॉम्बिनेशन वाला, साथ में फ्रंट साइड पे 20MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। बात करते हैं रेड मैजिक 5G की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 64+8+2 के कॉम्बिनेशन वाला, साथ में फ्रंट साइड पे 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। बात करते हैं रोग फोन 2 की तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 48+13MP वाला, साथ में 24MP का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है। बैटरी की बात करें यहाँ पे आपको ब्लैक शार्क 3 प्रोवाइड करता है 4720mAh वाली बैटरी, साथ में 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको 8128 वाले मॉडल में मिल जाता है। मैग्नेटिक चार्जिंग भी आपको यहाँ पे मिलती है 18W की। बात करते हैं यहाँ पे रेड मैजिक 5G की तो यहाँ पे आपको 4500mAh वाली बैटरी मिल रही है, साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि 55W तक अपग्रेडेबल है। बात करते हैं रोग फोन 2 की तो यहाँ पे आपको 6000mAh वाली बैटरी मिल रही है, साथ में 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और 10W की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले डिज़ाइन की, यहाँ पे सबसे एग्रेसिव डिज़ाइन आपको ब्लैक शार्क 3 और रोग फोन 2 प्रोवाइड कर रहे हैं। एक गेमिंग स्मार्टफोन में आपको जो डिज़ाइन मिलना चाहिए वो ये दो स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। यहाँ पे अगर बिल्ड क्वालिटी की बात है तो रोग फोन 2 आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे कॉर्निंग गोरिल्ला 6 का प्रोटेक्शन मिलता है और बैक साइड पे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे रेड मैजिक 5G और रोग फोन 2 दोनों के पास में ग्लास बैक है और एल्यूमिनियम का फ्रेम है, लेकिन ब्लैक शार्क 3 के पास में एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ में एल्यूमिनियम का बैक भी है। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग डिज़ाइन को कंसिडर करते हैं तो रोग फोन 2 यहाँ पे बेटर बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन प्रोवाइड करता है आपको। एक अच्छी डिस्प्ले की बात करें ना तो यहाँ पे रेड मैजिक 5G आपको एक बेटर डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आपको 6.65 इंचेस वाली एमोलेड पैनल मिल रही है, साथ में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, साथ ही 144Hz वाली डिस्प्ले मिल रही है, विच इज़ रियली अमेजिंग पार्ट ऑफ एनी गेमिंग स्मार्टफोन। रोग फोन 2 वो मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, इसके दो रीज़न है, 120Hz डिस्प्ले है सबसे पहली तो, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, कॉर्निंग गोरिल्ला 6 का प्रोटेक्शन मिल रहा है। थर्ड नंबर पर मैंने ब्लैक शार्क 3 को रखा है डिस्प्ले डिपार्टमेंट में। यहाँ पे
डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा है लेकिन जो प्रोटेक्शन मिल रहा है उतना खास नहीं है। 90 Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है जो कि 144 Hz और 120 Hz के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए जहाँ तक डिस्प्ले की बात है तो इस डिपार्टमेंट में विनर है रेड मैजिक 5G। हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे ऐसे दो ही स्मार्टफोन है जो कि साल के सबसे लेटेस्ट चिपसेट स्नैपड्रैगन 865 के साथ में आ रहे हैं, ब्लैक शार्क 3 एंड रेड मैजिक 5G। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में 2.84 GHz की फ्रिक्वेंसी मिल रही है। रोकफोन 2 जो है वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 855+ चिपसेट मिल रहा है जो कि कभी लेटेस्ट चिपसेट हुआ करता था। स्नैपड्रैगन 865 स्नैपड्रैगन 855+ से एंटीटू बेंचमार्क में 11% बेटर है और गीकबेंच में 15 से 16% बेटर है। और अगर बात करते GPU की तो एड्रेनो 650 GPU एड्रेनो 640 GPU से 7 से 9% बेटर है। तो कुल मिला के यहाँ पे CPU और GPU परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 865 यहाँ पे स्नैपड्रैगन 855+ चिपसेट से 25% बेटर है। साथ ही यहाँ पे आपको 5G चिपसेट मिल रहा है, इसलिए इस कंपैरिजन में तो रेड मैजिक 5G और ब्लैक शार्क 3 विनर होते हैं। अगर अभी कैमरा की बात करें तो एक बेटर कैमरा डिपार्टमेंट रेड मैजिक 5G के पास में है। मैंने ऐसा इसलिए बोला है, क्यों बोला है आखिरी में बताऊंगा। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। रेड मैजिक 5G में आपको 64MP का सोनी IMX686 सेंसर मिलता है, साथ में यहाँ पे 8MP का अल्ट्रावाइट सेंसर मिलता है और 2MP का माइक्रो सेंसर मिल जाता है। ब्लैक शार्क 3 इसके बाद में आता है जिसमें आपको 64MP का मेन सेंसर मिल जाता है, 13MP का अल्ट्रावाइट सेंसर मिलता है और 5MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। रोक फोन 2 में तो आपको डुअल कैमरा सेटअप ही मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे जो कैमरा मिल रहा है वो बाकी दो स्मार्टफोन से बेटर मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने रेड मैजिक 5G को बेटर कैमरा स्मार्टफोन क्यों बोला है इस ट्रायो में। रेड मैजिक 5G में आप 8K वीडियोस तक कैप्चर कर सकते हो लेकिन बाकी के जो दो स्मार्टफोन हैं उसमें आपको सिर्फ 4K वीडियो कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे रेड मैजिक 5G रियर कैमरा में विनर होता है और फ्रंट साइड पे रोक फोन 2 विनर होता है। बैटरी की बात करें तो बेशक बैटरी किंग यहाँ पे रोक फोन 2 होता है जो कि अपने 6000 mAh वाली एक ह्यूज बैटरी के साथ में आता है। साथ में यहाँ पे आपको 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, साथ में 10W की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर एक फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो 65W की फास्ट चार्जिंग आपको ब्लैक शार्क 3 प्रोवाइड करता है। अब आपको गेमिंग के लिए बड़ी बैटरी चाहिए या फिर फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। एंटीटू बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रोक फोन 2 और रेड मैजिक 5G के स्कोर्स। यहाँ पे दो स्मार्टफोन के स्कोर्स हमारे पास में है, ब्लैक शार्क 3 के स्कोर हमारे पास में नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे होंगे रेड मैजिक 5G ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। कंक्लूजन की बात करें तो नूबिया की तरफ से रेड मैजिक 5G एक कंप्लीट गेमिंग स्मार्टफोन है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बैलेंस्ड मिल रही है। यहाँ पे आपको कूलिंग फैन अलग से लेने की जरूरत नहीं है, बिल्ट इन कूलिंग फैन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही रोक फोन 2 की याद भी नहीं सताएगी क्योंकि यहाँ पे RGB लाइट्स मिल रही है आपको। साथ ही 5G कनेक्टिविटी वाला स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट भी मिल रहा है। मीनवाइल इसके कैमरास भी काफ़ी अच्छे जो कि 8K वीडियोस तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में बैटरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 18W की फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते तो 55W का चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा इसके लिए, 40 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। और अगर आपको रेड मैजिक 5G पसंद नहीं है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर आता है रोक फोन 2 जो कि अपने अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है और गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको एक अच्छी डिस्प्ले और बैटरी भी मिल रही है। थर्ड नंबर पर आता है ब्लैक शार्क 3। मैंने इसको थर्ड नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन उस तरीके का नहीं मिलता जो कि आपको एक गेमिंग फोन में मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस कंपैरिजन का विनर तो होता है रेड मैजिक 5G, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोक फोन 2 काफ़ी दिनों से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है और लॉकडाउन के बाद में ये स्टॉक में आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन स्मार्टफोन के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिए। नहीं तो हमेशा बोलोगे आपकी प्राइस तो बताते नहीं भैया जी, तो यहाँ पे प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरीके के डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल में देखने को मिलने वाली है। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए।